तो दोस्तों आज मेरे पास नॉइस एयरबड 3 भाई पोर्टेड बहुत ही ज्यादा बढ़िया और एकदम पॉकेट फ्रेंडली डिजाइन है, लुक्स में भी काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है। और अगर इसके फीचर्स देखें तो भाई 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, तो भाई कनेक्टिविटी इशू नहीं है, साथ ही में एसी ब्लूटूथ कोड भी सपोर्ट करता है, जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस बढ़िया आपको इसमें सुनने को मिल रहा है। और बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए 45 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी भी दे रखा है इन्होंने। और दोस्तों इन्होंने क्वाड माइक का इस्तेमाल कर रखा है, सिंगल बर्ड्स में डुअल माइक का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से भाई गेमिंग के टाइम और कॉलिंग के टाइम कमाल का माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। और साथ ही में हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी का भी फीचर्स अवेलेबल है, इससे क्या होगा जैसे आप केस को खोलोगे क्विकली आपके फोन के साथ पेयर अप हो जाएगा, बर्ड्स को अंदर रख के जैसे आप केस को बंद करोगे आपके फोन के साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो भाई फास्ट पेयरिंग बहुत ही बढ़िया है इसका। और टोटल 45 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक है, साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, जिसके हेल्प से 10 मिनट चार्ज करके 200 मिनट का म्यूजिक प्लेबैक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है 50% वॉल्यूम में। और 13mm का लास्ट ड्राइवर है, फॉर बेटर बेस IPX5 का वाटर रेटिंग है, और ये प्रोडक्ट आपको टोटल 2 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है, आप देख लो भाई आपको कौन सा पसंद है। तो चलिए अभी जल्दी से देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, प्रोडक्ट पसंद है तो बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, आज के दिन इसका प्राइस चल रहा है 1400 रुपीज, भाई लॉन्चिंग प्राइस भी इतना ही रखा है और नॉर्मल प्राइस भी मेरे ख्याल से इतना ही रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो गया अकॉर्डिंग टू मी, कुछ खास फीचर्स नहीं है, नॉर्मल फीचर्स है और प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। और आज के दिन इसका प्राइस चल रहा है 1400 रुपीज, भाई अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा ज्यादा महंगा हो गया फीचर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, क्योंकि भाई इस प्राइस में लो बैटरी इंडिकेटर देना चाहिए था जो कि इसमें नहीं है। तो पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स, ऊपर का प्लास्टिक हटा लेते हैं तो ऊपर आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, साइड में इन्होंने अपने मेन 3 की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, नीचे की तरफ एयरबड्स 3 को प्रिंट किया है, बॉक्स के सराउंडिंग में सिर्फ ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर रखा है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, MRP प्राइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क, और पीछे की तरफ भी सिर्फ ब्रांडिंग है। तो चलिए अभी जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, ये कुछ पेपर वर्क मुझे इसके साथ देखने को मिला, ये है नॉइस की कुछ कूल स्टिकर्स यहाँ वहाँ चिपकाने के लिए, और यह है यूजर मैनुअल जिसके अंदर कुछ खास इन्फो नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने फंक्शन को ही प्रिंट कर रखा है। और यह है वारंटी कार्ड, इस बार कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है, 1 ईयर का वारंटी है। और यह टाइप सी चार्जिंग केबल, क्वालिटी काफी बढ़िया है लेकिन छोटा है। और यह है 2 जोड़ी 8 टिप्स, लार्ज एंड स्मॉल मीडियम साइज का बर्ड्स में लगा है। और अभी क्लोज लुक केस की तरफ, भाई केस का लुक बहुत ज्यादा बढ़िया है, ऊपर आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और पूरा मैट ब्लैक कलर का फिनिश इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है देखने में। और हाँ दोस्तों, इसके केस के ऊपर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जिस वजह से जैसा आप अभी देख रहे हो हमेशा ऐसा ही रहेगा, कलर नहीं उतरेगा, स्क्रैचेस चाहे भर जाए लेकिन भाई कलर नहीं उतरेगा। और ऊपर कैप के पास जिन्होंने बाउंड्री बना रखा है ना ग्रॉसी ब्लैक कलर का, ही काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, काफी प्रीमियम लग रहा है। और आप देख सकते हो भाई साइड लुक भी काफी बढ़िया है, एकदम क्लासी लुक दिया है। और नीचे की तरफ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है, और पीछे भी एकदम सिंपल रखा है, ज्यादा डिजाइन नहीं भर रखा। और ऑल ओवर केस का लुक आप देख सकते हो भाई काफी ज्यादा छोटा एंड कन्वीनियंट इसे कैरी करना है, जिस वजह से भाई जींस के साइड पॉकेट में इजीली एडजस्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो मेरे मुट्ठी भर के अंदर पूरी तरह से आ गया। और दोस्तों कैप का मैग्नेटिक फ्लेक्स भी ठीक ठीक है, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं है, एकदम टाइट भी नहीं है, जिस वजह से आप सिर्फ कैप को खोल सकते हो, बर्ड्स भी निकाल सकते हो, लेकिन भाई बर्ड्स बहुत ज्यादा स्लीपरी है, इजीली निकलता नहीं है। लेकिन अब दोबारा बर्ड्स को अंदर रख नहीं सकते हो क्योंकि भाई कैप बंद हो जाता है ऑटोमेटिक, जिस वजह से वन हैंड यूजेबल नहीं है, आपको 2 हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे यूज करने के लिए, बोले तो बर्ड्स को निकालने रखने के लिए। और केस खोलने बंद करने पर नॉइस के नीचे आपको एक LED देखने को मिल रहा है, ये है बर्ड्स चार्ज हो रहा है, केस चार्ज हो रहा है, ये सब इंडिकेट करता है। लो बैटरी इंडिकेटर का फीचर आपको इसके केस में नहीं मिल रहा है। और केस खोलने के बाद जो लुक है ना भाई, भी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है भाई, काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। और कैप के पीछे के साइड बैटरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और साथ ही में इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट कर रखा है। और अभी क्लोज लुक बर्ड्स की तरफ, भाई बर्ड्स का लुक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, एक क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इन्होंने पैरेलल सा डिजाइन बना रखा है ना, ये काफी बढ़िया लग रहा है देखने में। और जो नॉइस का ब्रांडिंग है ना, इसके अंदर ग्रॉसी ब्लैक कलर का फिनिश प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हो भाई ऐसा लाइट पड़ता है तो चमकता है। और ऑल ओवर बर्ड्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, आगे के साइड है मैट ब्लैक कलर और पीछे के साइड है ग्रॉसी ब्लैक कलर का फिनिश, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में भाई, लुक्स में काफी अच्छा है। और हाँ, यहाँ पर आपको डुअल माइक देखने को मिल रहा है, पीछे की तरफ आप एक छोटा सा होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका सेकंड माइक, फर्स्ट माइक कहाँ पर है ऊपर, एक छोटा सा होल है, यहाँ पर फिट है इसका फर्स्ट माइक, तो भाई डुअल माइक का इस्तेमाल कर रखा है सिंगल बर्ड्स में। और अभी फंक्शन देखिए तो डबल टच से आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल पिक कॉल एंड कर सकते हो, कॉल रिजेक्ट करने के लिए 2 सेकंड लॉन्ग टच करना पड़ेगा, वॉइस असिस्ट एक्टिव करने के लिए 4 टच करना है, राइट बर्ड्स पे गेम मोड ऑन ऑफ करने के लिए 2 सेकंड लॉन्ग टच करना है दोनों में से किसी भी बर्ड्स पे, नेक्स्ट सॉन्ग और प्रीवियस सॉन्ग के लिए ट्रिपल टच करना है, वॉल्यूम अप डाउन के लिए सिंगल टच करना है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि बर्ड्स इसके अंदर उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है, बर्ड्स का मैग्नेटिक इफेक्ट काफी अच्छा है। अभी सुनते हैं बचता है क्या, हल्का हल्का बचता है, फिटिंग कुछ खास नहीं है।
और दोस्तों अगर इसके फील एंड कंफर्ट के बारे में बात करें तो भाई इसका फील एंड कंफर्ट बहुत ज्यादा बढ़िया है, पूरा दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपके कानों में किसी भी तरह का पेन महसूस नहीं होगा, कंफर्ट में बेस्ट है और फिटिंग भी बहुत जबरदस्त है। सीलिंग फैन के नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर देता है, बस टेबल फैन का नॉइस कानों में हल्का हल्का आता है। और भाई आप इसे पहन के धीरे जॉगिंग भी करोगे ना तब भी आपके कानों से नहीं गिरेगा, फिटिंग काफी अच्छा है। लेकिन हाँ आप इसे पहन के तेज रनिंग नहीं कर सकते, तब जरूर आपके कानों से गिर जाएगा। और जिमिंग के लिए भी परफेक्ट है ये, जिमिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका टच का रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, कभी भी मिस आउट नहीं होता। और जहां पर इन्होंने टच को प्रेस कर रखा है ना, यूजर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा लगा मुझे। और रही बात साउंड एक्सपीरियंस का, तो वोकल्स एकदम क्लियर एंड लाउड है, और जैसा आवाज एकदम वैसा ही डिलीवर करता है, वोकल्स काफी अच्छा लगा मुझे, फुली सेटिस्फाइड वोकल्स आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। और रही बात ट्रिबल छनकार का, तो इसमें आपको ट्रिबल छनकार भी अच्छा खासा सुनने को मिल रहा है, कानों में छन छन सा मारता है, इसका ट्रिबल बैलेंस ट्रिबल आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, ट्रिबल कानों में चुभता नहीं है। और अगर बेस देखोगे तो भाई इसमें आपको एवरेज बेस सुनने को मिल रहा है, कुछ खास इंप्रेसिव बेस नहीं है। इसके बेस को मैं 10 में से 6.5 स्टार दूंगा, बेस का क्वालिटी अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा लो है इसका बेस। साउंड एक्सपीरियंस ऑल ओवर देखा जाए तो ठीक ठीक है, क्योंकि बैलेंस साउंड बोलेंगे इसे, और 90% के ऊपर हल्का सा डिस्टॉर्टेड आवाज आपको यहाँ सुनने को मिल रहा है, आवाज ज्यादा नहीं फटता। और हाँ इसका ट्रिबल कानों में थोड़ा सा चुभने लगता है 90% के ऊपर, स्पेशली फीमेल का आवाज और भूकू का आवाज। तो चलिए अब एक गेमिंग परफॉर्मेंस देख लेते हैं, 45 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी है। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि डिवाइस मेरे फोन के साथ कनेक्ट और इसका मैंने गेम मोड ऑन कर रखे, भी देखते हैं भाई लो लेटेंसी कैसा है। और अप्रॉक्स मेरा 60-70 का पिंग कर रहा है, आप देख सकते हो 52 दिखा रहा है अभी। जैसे कि आप देख सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा बर्बाद है इसका लो लेटेंसी, मैं अभी आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूं। सो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका लो लेटेंसी बहुत ही ज्यादा बर्बाद है दोस्तों, तो अप्रोक्स 100-200 मिलीसेकंड्स का लो लेटेंसी होगा इसमें, साउंड का डिले बहुत ही ज्यादा है। और इतना डिले साउंड आपको नॉर्मली मूवीज देखते वक्त सॉन्ग सुनते वक्त भी आपको महसूस होगा, तो भाई ये गेमिंग के लिए बहुत ज्यादा बर्बाद है। आप गेमिंग के लिए सोचना भी मत भाई, गलती से भी मत सोचना, पछताना पड़ेगा आपको। गेम बजा के चला जाएगा गेम में और आपको एक सेकंड के बाद पता चलेगा ये क्या हो गया भाई, सुना नहीं मैंने। तो चलिए अब एक माइक परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। सो दोस्तों नॉइस एयरबड्स 3 है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और अभी आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस, और आपको मेरा आवाज क्लियर सुनाई दे रहा है नहीं। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है जो कि हल्का सा नॉइस है, तो अभी आप सुनो कि इस नॉइस को ग्रैब कर रहा है या नहीं। अभी हम लोग इस पे एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसिलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये मेरे पास रहता है कुछ काफी ज्यादा माइक कर पा रहा है, आपको क्वाड माइक देखने को मिलता है और वो नॉइस दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका माइक एक्सपीरियंस इंडोर में बेस्ट है लेकिन आउटसाइड कुछ खास नहीं है। इंडोर में आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है, और हल्के फुल्के नॉइस को भी रिड्यूस कर सकता है, लेकिन भाई हैवी नॉइस को रिड्यूस नहीं कर सकता। इस प्राइस रेंज में भाई नॉइस कैंसिलेशन बढ़िया होना चाहिए था जो कि इसमें नहीं है, सो भाई काफी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे इस प्रोडक्ट से। मैं मतलब 1400 में कम से कम बेटर माइक एक्सपीरियंस का तो एक्सपेक्टेशन कर रहा था लेकिन वो नहीं मिला मुझे। बैटरी बैकअप देखे तो इसका बर्ड्स मुझे 100% वॉल्यूम में 5 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक प्रोवाइड कर रहा है, और इसके केस के हेल्प से मैं इसके बर्ड्स को 3 बार फुली चार्ज कर पा रहा हूं। और इसके केस में है 380mAh का बैटरी जिसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 90 मिनट 10 वाट चार्जर से। और मेरी भी आपसे ही रिक्वेस्ट है कि आप 10-15 वाट चार्जर का ही इस्तेमाल करें, उससे इसका बैटरी रहेगा सेफ और लॉन्ग। और दोस्तों उन्होंने IPX5 का वाटर रेटिंग दिया है जिस वजह से अगर हल्का फुल्का पानी लग गया तो कुछ होगा नहीं, बोले तो भाई गीला हाथ लग गया पसीना लग गया तो भाई कुछ नहीं होगा, लेकिन भाई पानी में गिर गया तो भाई खराब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। और इसे पहन के भाई मस्ती में नहाने मत चले जाना भाई, उससे भी खराब हो जाएगा, सो पानी से थोड़ा सावधानी से ही आप इसका इस्तेमाल करना। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूं अगले वीडियो में।